मेरे लिए ऊंचाई का मतलब है हैप्पीनेस. इफ आई एम हैप्पी आई एम ऑन अ हाई. जब मैंने ट्रेलर देखा तो मैंने कहा अरे ऐसा है ये फिल्म. मुझे भी हैरानी हुई और मुझे लगा कि इस प्रकार की चीज कभी बनी नहीं है. और इसका एक बहुत एक स्पेशल एनर्जी है इस फिल्म में. पहले ट्रैक में हम बहुत एक मियार वैली है, बहुत हाई है, वहाँ पे हमें ले गए. मैं तो रो पड़ी क्योंकि इतनी सिकनेस होती थी, जाते ही वॉमिट हो गया. मैं मेरा साथ जो बंदा था वहाँ का लोकल जो हमको दिया था उसके गले लग के रोने लगी पहुँचने से पहले. मुझे वापस जाना है. How is it working with Bachchan साहब? He is like a any normal actor, normal man, but हमको बहुत वो होता है. Okay, अरे बोले कि नहीं, अरे इनके पास जाएं कि नहीं, अरे मजाक करें कि नहीं, ये हमारी प्रॉब्लम है, उनकी नहीं है. मैम बड़ी देर से मैं सोच रहा था कि इस इंटरव्यू की ओपनिंग कैसे करूं. आई एम नॉट गेटिंग इट बिकॉज़ कई बार गेस्ट आपके सामने ऐसे होते हैं कि यू डोंट गेट एन ओपनिंग. नहीं नहीं करनी पड़ेगी आपको, ऐसे थोड़ा ना. सो करिए करिए, वेलकम, अच्छे से करिए. ओपनिंग मेरी ये जो मुझे समझ में आई कि इस वक्त हिंदी फिल्में कहीं ना कहीं ऊंचाई पे पहुंचने की कोशिश कर रही हैं एंड दिस इज वन ट्रेलर जो हमने देखा, इट्स ऑल पॉजिटिविटी. सो कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट. थैंक यू सो मच. आप सबका क्या रिएक्शन था व्हेन यू वॉच द ट्रेलर? मतलब हम सब तो एकदम, हमें लगा कि We were not expecting, एक होता ना हवा का झोंका, ठंडी हवा का झोंका. So this trailer comes as that sort of thing. तो आप लोगों का खुद का क्या reaction था जब आपने trailer देखा? चूंकि मैं कुछ scenes में, कुछ part of the film में नहीं थी, इसलिए जब मैंने trailer देखा तो मैंने कहा अरे ऐसा है ये film. मुझे भी हैरानी हुई और मुझे लगा कि इस प्रकार की चीज कभी बनी नहीं है. और इमोशन है, हंसी मजाक है, प्यार है, रिलेशनशिप्स हैं, सब कुछ है और बहुत सुंदरता से किया गया है. आई लव्ड इट. सारिका मैम आपका क्या रिएक्शन था जब देखा आपने? मैंने फिल्म देखा, हम लोगों ने रफ कट देखा हुआ था पहले, सो पूरा रिएक्शन वहीं पे आ गया था. और जैसे नीना जी ने कहा तो उसमें सेक्शंस हैं फिल्म के जिसमें एक सेक्शन में मैं नहीं हूँ, तो मैंने फिर वो देखा. एंड मगर वो जब हम स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे तब पता तो था कि फिल्म क्या है. हम नहीं थे किसी सेक्शन में बट पता था कि क्या है. और वो स्क्रिप्ट लेवल पे ही आपको समझ आ रहा था कि ये फिल्म कैसी बनेगी. यू नो एक इसका एक बहुत एक स्पेशल एनर्जी है इस फिल्म में. एंड जो बोलते हैं ना प्यार की गुडनेस, जो बोलते हैं ना म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ह्यूमन रिस्पेक्ट, कमिटमेंट एंड ऑल दैट. और ऐसी पिक्चरें ज़्यादा बनती नहीं है, बाकी स्टाइल की काफ़ी बनती हैं, ये कभी कभार आती हैं बीच में. सो वो बहुत स्ट्रॉन्ग था स्क्रिप्ट लेवल पे भी. बनने के बाद सूरज जी की एनर्जी है, एक्चुअली वो सूरज जी की एनर्जी है, यू नो, जो आती है फिल्म में. एंड लकीली क्या हो गया, हम जितने भी थे ना, ये कभी कोशिश करने से नहीं होता, कभी कभी बाई चांस हो जाता है. हम सबका सुर भी सेम था जितने भी आर्टिस्ट थे, तो वो पूरी एनर्जी हमारी आर्टिस्टों की इंटरेक्शन, सूरज जी, वो पूरा उसमें महसूस होता है. अच्छा, फिल्म में सीनियर आर्टिस्ट ज़्यादा हैं, सीनियर आर्टिस्ट की ही फिल्म है. नॉर्मली जैसा अभी आप जिक्र कर रहे थे कि नए गाने पे जब रील बनाते हैं उस पर ट्रैक्शन ज्यादा आता है, पुराने पे कम आता है. बट अगर आप इस फिल्म के ट्रेलर को देखें, इंस्टाग्राम पे जाके, यूट्यूब पे जाके कमेंट्स पढ़ें, तो वहां जनरेशन सारी वही है. मतलब आपको शायद एक भी नेगेटिव कॉमेंट नहीं मिले, मतलब पीपल आर लाइक प्रेजिंग दिस फिल्म, द ट्रेलर. तो सबसे बड़ी वजह आपको क्या लगती है उसकी? ऑनेस्टी, लव एंड सूरज जी. बस वो जैसे हैं फिल्म भी वैसी है. कुछ कह ही नहीं सकते इससे ज्यादा. अच्छा, शूटिंग कहाँ पे किया इसकी? मतलब बिकॉज देखने से ही लग रहा है कि काफी डिफिकल्ट शूटिंग, काफी जगह की. नेपाल बहुत डिफिकल्ट था बिकॉज एक महीने का एक तो शेड्यूल था. आई एम सॉरी. और मतलब बहुत चढ़ना उतरना, काफ़ी कुछ उसमें था.
शूटिंग में भी वो होता था, वेदर भी अलग हो जाता है वहाँ का, धीरे धीरे हमको वो करना पड़ता है एल्टीट्यूड के हिसाब से. अच्छी ठंडी, ठंडी वाला पार्ट मुझे बहुत पसंद था क्योंकि अच्छी बोलते ना जिसको. फिर हमने जब दिल्ली में शूटिंग की, सेम कंटिन्यूटी के कपड़े पहने तो बुरी हालत हो गई, बिकॉज वो तीन तीन लेयर्स, चार चार लेयर्स के कपड़े थे. तो वहाँ की, फिर बॉम्बे में हमने शूटिंग की, काफी हर जगह हमने शूटिंग की इसकी. अच्छा, कुछ आपकी वो जो बात थी ना उस पे मुझे एक बात कहनी, मैं भूल गई थी, सॉरी. जो भी यंगस्टर्स ये पिक्चर देखेंगे उनके माँ बाप होंगे, बिल्कुल कुछ एक होंगे बिरले जिनके नहीं, भाई बहन होंगे, माँ बाप होंगे. मेरी बेटी को अगर मैं ये बोलूं कि अगर समझो वो बीमार है या उसका कुछ इम्पोर्टेंट काम है या उसका घर में कुछ सफेदी चल रही है, जो भी चल रहा है, कि अच्छा मेरे को यहाँ जाना है, मेरे को इस काम शूटिंग पे जाना है तो बड़ा लंबा है, मैं लूँ कि नहीं लूँ काम? नो मॉम, यू हैव टू वर्क इन दिस. ऑल द यंगस्टर्स आई थिंक विल सी दिस फिल्म एंड गो होम एंड टेल देयर पेरेंट्स, आपको जो रह गया ना करना, जो मन में करो. Right. That is why this film will be liked by the youngsters as much as the older people. ये बड़ी अच्छी बात आपने. अच्छा, एक चीज, क्योंकि एक difficult film है shooting wise, trailer देख के जैसा समझ में आ रहा है, hiking है, तो आप दोनों से ये सवाल है कि कहीं ना कहीं family की तरफ से कुछ एक restriction तो नहीं आया? मेरा तो नहीं. कि मतलब बिल्कुल कि difficult होगा या ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ इस तरह से मसाबा ने कुछ कहा हो मम्मी ध्यान रखना पड़ेगा? ना ना, मसाबा, मेरे हस्बैंड, किसी ने नहीं. नहीं, अब इस उम्र में अपने मन का नहीं करेंगे तो अब कब करेंगे? फैमिली ये एक अलग तरह से केयर करती है. हाँ, केयर करती है, केयर करती है. वो बोलती है कि अच्छा क्या लेके जा रहे हो, ये जैकेट लेके जा रहे हो कि नहीं, ये दवाई का पूरा पाउच देखते हैं. मसाबा देखती है ये दवाई ली, जैसे मैं उसका देखती हूँ, ये लिया कि नहीं, वहां पे ये लगेगा कि नहीं, मेरे हस्बैंड ने बोला वहां पे पानी ज्यादा, यू नो थिंग्स लाइक दैट. सो वो तो करते हैं, बट गो. तो कुछ दिक्कत भी हुई, कुछ हेल्थ इश्यूज या कुछ इस तरह से शूटिंग के टाइम पे? नहीं, ऐसा तो नॉर्मल निकल गया सब. नहीं, ऐसी कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई. मतलब फिजिकल फटीग था मगर पूरी यूनिट को, बिकॉज एक महीना जब आप बैक टू बैक एवरी डे करते हैं, सिर्फ जब हम काठमांडू आते थे तो वो एक दिन का ब्रेक मिलता था हमको. सो वो था, बट इट वॉज नॉट लाइक एनी, बोलते ना हर तरह का काम आता है हर फिल्म में, अलग अलग किस्म का काम, और हर फिल्म में कोई ना कोई चैलेंज होता है. इसमें वो एक महीने का था, बस वो निकल गया. मैम, पहले कोई एक्सपीरियंस रहा है इस तरह का, हाइकिंग का? एक ही था, बहुत टफ था, और वो गलती थी क्योंकि हमें पहले धीरे वाला करना चाहिए था. मैं, मेरी फ्रेंड सोनी और उसकी बेटी, हम गए और पहले ट्रैक में हम बहुत, एक मियार वैली है, बहुत हाई है, वहाँ पे हमें ले गए. मैं तो रो पड़ी क्योंकि इतनी सिकनेस होती थी, जाते ही वॉमिट हो गया. मैं, मेरा साथ जो बंदा था वहाँ का लोकल जो हमको दिया था, उसके गले लग के रोने लगी पहुँचने से पहले, मुझे वापस जाना है. 10 दिन के लिए वी वर नॉट इन टच विद एनीबडी, नो सैटेलाइट फोन. इफ वी फेल सिक वी वुड हैव डाइड देयर, देयर वाज नथिंग. एंड हम तो एक बेस कैंप में, हमने कहा हम आगे नहीं जाएंगे, आप लोग जाइए, हम तो यहीं ठीक है. अपने जितना हमारा बैग में कपड़े थे वो सारे पहन लेते थे रोज सुबह, और नहाना तो सवाल ही नहीं पैदा होता था. 10 दिन तक, 10 दिन तक अलग दुनिया में थे. बहुत तकलीफें हुई, पर जो हमने देखा उसके बाद सब तकलीफें भूल गए. आपका मैम कुछ पहले इस तरह का या पहला एक्सपीरियंस था? नहीं नहीं, हम जाते हैं, ऐसी बात नहीं है. अब कहीं यहाँ गए, कहीं वहाँ गए, लेकिन वो अलग होता है, वो हमें छुट्टी होती है उसमें. यहाँ तो जान पे बनाई थी. नहीं नहीं, नहीं, मगर फिर भी आपका होता है. नहीं, काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अलग होती है. अगर आप जाएं, कभी मुश्किल होता है तो अगर आप सोचते हैं कि चलो आज आधा दिन हम रेस्ट कर लेते हैं, कल सुबह निकल जाएंगे, यू नो, लेकिन काम में वो नहीं कर सकते आप. आपका शेड्यूल है, आपका पूरा एक यूनिट है, आपकी कुछ 300 लोगों की, उसमें वो एक अलग प्रेशर होता है. सो मेरे लिए पर्सनली, पर्सनल एक्सपीरियंस और वर्क एक्सपीरियंस में बहुत फर्क हो जाता है. अच्छा, सूरज बढ़ जाते हैं कि जो इतनी फिल्में होती हैं वो एक अलग फ्लेवर होता है, हम शुरू से मतलब, और मुझे लगता है वो
हम सबने उनकी एक एक फिल्म कितनी बार देखी होगी वो गिनती किसी को नहीं पता। तो इस ये सबसे डिफरेंट लग रही है, किस तरह से, मतलब इसमें क्या वैसे वाले एलिमेंट सारे होंगे या क्या कुछ डिफरेंट होगा इसमें? उनके इंटरव्यूज में सुनती हूँ जब वो हमारे साथ होते हैं कई बार, और वो ये कह रहे थे कि पेंडेमिक के दौरान उन्होंने सोचा इस बारे में और उनको ये दिल से इच्छा हुई इस तरह की पिक्चर बनाने की। तो चाहे इसमें उस तरह के गाने, मतलब कोई कह रहा था ना कि साड़ियां नहीं पहनी, साड़ियां नहीं पहनी, साड़ियां चूड़ियां बिंदियां सब नहीं है, लेकिन रिलेशनशिप है, संबंध, फैमिली वैल्यूज हैं इसमें। अब इन सब चारों बंदों की कोई तो फैमिली होगी ना, उसके बारे में भी बात है। फ्रेंडशिप इज द मेन थिंग, बट उसके साथ साथ छोटे छोटे में बहुत बड़ी बड़ी चीजें अबाउट रिलेशनशिप और फैमिली इन्होंने बना दी। अच्छा, आपके लिए जिंदगी में ऊंचाई के क्या मायने हैं? आपको लगता है कि आप एक करियर वाइज या लाइफ में जो करना था वो पीक हासिल कर लिया? मेरे लिए ऊंचाई का मतलब है हैप्पीनेस। If I'm happy, I'm on a high. Ma'am, same question goes to you. What does ऊंचाई mean to you? ऊंचाई for me means striving to get better, trying to improve, trying to set new goals. Yeah, एक और कुछ करना है, एक नया करना है. To improve yourself. For me, ऊंचाई is that. अच्छा, बहुत सालों से हम आपको देख रहे हैं, मतलब इतने सारे कैरेक्टर्स, इतने सारे सीरियल्स, फिल्म्स, हाउ डिफरेंट इज इट आज का दौर और जो एक पहले वाला दौर था? मैंने तो बहुत दौर देखे हैं और तकलीफ वाले भी देखे हैं बहुत ज्यादा। आज का दौर बहुत बढ़िया है सबके लिए, एक्टर्स के लिए, टेक्नीशियंस के लिए, एवरीबॉडी इज बिजी। नया कॉन्टेंट बन रहा है OTT प्लेटफॉर्म की वजह से, सबको बहुत काम है। और मेरे ही उम्र के एक्टर्स को भी बड़े अच्छे रोल्स आ रहे हैं। पंचायत आपका अभी रिसेंट, पंचायत छोड़ो और भी बहुत, बिना जिक्र किए। हाँ, पंचायत है, एक तरफ मैं पंचायत कर रही हूँ, एक तरफ मसाबा कर रही हूँ। कभी सोच सकते थे उस जमाने में? मैंने एक खानदान किया था, उसमें मैं थोड़ी सी मॉडर्न थी, तो उसके बाद मुझे सारे नेगेटिव मिलते थे, मेरे को सारे व्यायाम मिलते थे और वो भी घटिया प्रकार के व्यायाम, यू नो। तो अभी तो कोई व्यायाम पर उसका है ही नहीं। यंग हीरोइंस आर वेयरिंग ऑल काइंड्स ऑफ क्लोथ्स, सेक्सी क्लोथ्स एंड ऑल, एंड देयर आर स्टिल डूइंग पॉजिटिव पार्ट्स। सो इट्स अ वेरी गुड पीरियड राइट नाउ। आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम अलाइव इन दिस पीरियड, आई एम गेटिंग वर्क। वर्क कल्चर टाइप भी बहुत फर्क हो गया है, डिसिप्लिन ज्यादा हो गया है, यंगस्टर्स बहुत हार्ड वर्किंग है, मोस्टली लोग सब टाइम पर आते हैं। और एक बहुत बड़ी बात है, पहले हम डरते थे। अभी श्याम बेनेगल से मैं कोई सवाल नहीं पूछ सकती थी कि सर ये स्क्रिप्ट में लिखा है ये ठीक नहीं है। अब मेरी हिम्मत है कि ये जो काफ़ी सारे यंगस्टर्स भी और पहले के भी जो डायरेक्टर्स हैं, यू कैन डिस्कस विद देम। इफ़ आई फील कि ये मुझे ठीक नहीं लग रहा, यू कैन डिस्कस एंड देन दे, इफ दे फील लाइक दे विल चेंज, दे डोंट फील लाइक देन आई डू व्हाट दे वांट। सो वो भी बहुत फर्क है, बहुत अच्छा समय है ये। You feel the difference? Yeah, same. She said, I think it's a very good time. मतलब do you feel OTT के आने के बाद से चीजें थोड़ी बदली? चीजें बदलनी शुरू हुई जब मल्टीप्लेक्स आया, basically. जब हमको 800 सीट्स नहीं भरनी थी, सिर्फ 250 भरनी थी, so वो थोड़ी फ्रीडम मिल गई। इतनी अच्छी अच्छी बढ़िया फिल्में आने लगी। पान सिंह तोमर इज द फ्लैग बेरर ऑफ दैट पीरियड, राइट राइट, कि कोई टेंशन नहीं है, आप 250 है, आप बना लीजिए। और वो इतनी चली कि उसका वो बुकिंग खत्म हो गया, बट पिक्चर हाउसफुल जा रही थी। तो पहला तो मुझे लगता है वहां से हुआ, और फिर एक थोड़ा वर्ल्ड एक्सपोजर भी हुआ, ज्यादा पहले भी था, लेकिन एक कमर्शियल लेवल पे भी वर्ल्ड एक्सपोजर हुआ, तो शायद थोड़ा रियलिज्म भी आ गया फिल्म में। टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई, कंप्यूटर ग्राफिक्स को हम ज्यादा रिस्पेक्ट करते नहीं है, मगर करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से एक आप जब बाहुबली देखते हैं या कुछ देखते हैं RRR, दैट इज द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी, इट्स ब्यूटीफुल टू वॉच ऑन स्क्रीन। सो दैट हैपेंड, देन OTT हैपेंड, एंड OTT में तो कोई प्रेशर ही नहीं है, ना कलेक्शन का, ना फर्स्ट डे का, ना बॉक्स ऑफिस।
तो क्रिएटिविटी विल फ्लरिश एंड यू नो एकदम ऐसे खिल के निकल आता है. और आर्टिस्ट बहुत अच्छे आए ओटीटी से, एकदम एक के बाद एक के बाद आप देखेंगे तो मतलब एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एक्टर्स, छोटे छोटे एक्टर्स को भी जो है बहुत फेम, छोटे छोटे की बात, छोटे बड़ा छोटे किरदारों वाले, छोटे किरदारों वाले, मतलब अगर आपको छोटा रोल भी मिला है उसमें आपने सही कहा कि छोटे किरदार में भी आपको आर्टिस्ट दिखेंगे जो इतने सही हैं. और बहुत सी वो टैग्स निकल गए ओटीटी में, कोई टैग नहीं है, स्टार वाला टैग नहीं है, जेंडर का टैग नहीं है, क्लीशे अपीयरेंस का टैग नहीं है, एज का टैग नहीं, कोई नहीं है. आप कैरेक्टर्स दे रहे हैं और वो आई एम सो हैप्पी कि उन सबको एक सेंटर स्टेज मिल रहा है जो पहले शायद सिनेमा में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, यू नो, बिकॉज ऑफ प्रेशर. राइट राइट. सो आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स. मैम बधाई हो आपने की हो, मतलब हमने सोचा भी नहीं था ऐसी फिल्म हो सकती है, मतलब वी हैव नॉट देन पंचायत मसाबा. सो आप सबसे ज्यादा एंजॉय क्या किया फिल्म ओटीटी, या क्या लगा कि ओटीटी में स्पेस ज्यादा मिलता है, टाइम ज्यादा मिलता है? ना ना ऐसा कुछ नहीं है, मेरी एक्टिंग तो सेम रहेगी ना, एक्टिंग वाइज तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. सिर्फ इतना फर्क होता है कोई 44 डिग्रीज में करना पड़ता है, कोई थोड़ा एसी में करना पड़ता है, वरना उसका कोई फर्क नहीं है. एक्टिंग इज द सेम, आई एंजॉय द सेम. सम रोल्स आप जो रोल में चैलेंजिंग होते हैं वो ज्यादा एंजॉय करते हैं, जो नॉर्मल होते हैं वो हल्के से कम एंजॉय करते हैं. बट इट्स आई एम एंजॉयिंग ऑल द रोल बिकॉज आई एम नॉट टेकिंग एनी फिल्म वेयर आई एम नॉट एक्साइटेड अबाउट द रोल एंड द स्क्रिप्ट, सो आई एम एंजॉयिंग एवरीथिंग. अच्छा एक चीज आपको लगती है कि हम कई बार कहते हैं ये नहीं चल रहा या ये नहीं चल रहा, बट व्हेन यू डिलीवर गुड कंटेंट, जैसे ऊंचाई का ट्रेलर ही आया लेट्स सपोज, तो एवरीवन इज लाइक प्रेजिंग एंड वेटिंग फॉर दैट, तो आपको लगता है कि जब हम अच्छा कंटेंट बनाएंगे तो वो चलेगा? इसकी गारंटी तो कभी नहीं होती है. सिनेमा की सबसे खूबसूरती ये है कि मुझे लगता है कि इतने सालों से जो मैंने नोटिस किया है, कभी कभी बहुत बढ़िया फिल्में भी नहीं चलती हैं और कभी कभी जिसमें कुछ नहीं होता वो भी, बिकॉज ऑडियंस का जो माइंडसेट है वो पता नहीं होता. लेकिन मैं ऑफकोर्स जैसे आप कह रहे हैं, अगर टू बिगिन विद फिल्म अच्छी होगी तो उसके चांसेस डेफिनेटली हैं चलने के, यू नो, बिकॉज फिल्म आपने ऑनेस्टी से बनाई है. फिल्म में ऑनेस्टी ऑफ मेकिंग भी है कि हम जैसे ऊंचाई में आप देखेंगे हम आपको वो कुछ भी जो भी दिखा रहे हैं वो फिल्म है, हम आपको कुछ ऐसा प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं जो फिल्म में नहीं है, यू नो. सो इट्स अ वेरी क्लीन क्लियर थिंग एंड बहुत प्यार है फिल्म में, बहुत सब कुछ है. सो मुझे लगता है कि अगर वो ऑनेस्टी हो और वो एक स्ट्रेट फॉरवर्डनेस हो, हार्ड वर्क हो, बहुत मेहनत की है सबने इसमें और सभी लोग करते हैं, मुझे लगता है सभी की यही लाइन होती है जो मैं कह रही हूँ कि हमारी फिल्म हमने बड़ी मेहनत से बनाई है, बट इट इज अ फैक्ट. एंड यू फिर आप इच्छा करते हैं कि भाई चलो आई होप ऑडियंस को ये पसंद आए. अच्छा आपकी कोई ऐसी फिल्म रही जो आपको लगा कि बड़ी अच्छी थी लेकिन चली, जैसे अभी हमने बात की अच्छे कंटेंट वाली? नहीं होती है ऐसी, अभी मैं नाम लेके उसको अंडरलाइन नहीं करना चाहूंगी, मगर दो बार हुआ, बहुत खूबसूरत फिल्में थी, बहुत प्यारी फिल्में थी, मगर चली भी, मगर इतनी नहीं चली जिसको आप कहते हैं कि एक बोलते ना वो थोड़ा वो उठ के भीड़ से नहीं उठ पाई, वो लोगों ने पसंद की, रिव्यूज अच्छे थे, मगर वो उठ नहीं पाई, मगर बहुत अच्छी फिल्में थी. हाउ इज इट वर्किंग विद बच्चन साहब, प्रेशर रहता है उनके आसपास, मतलब रहते हैं वो तो एक, वो ठीक है, नॉर्मल है, प्रॉब्लम हमारी है कि हमको कॉम्प्लेक्स रहता है कि इनसे ये बोले कि नहीं, ये बोले कि नहीं, वरना कभी कि उनके साथ लंबी कन्वर्सेशन भी होती है. एक बार उन्होंने मुझे अपने फादर की पोएम और वो सब भी सुनाई वैनिटी वैन में ले जाके, और कभी वो क्वाइट हो जाते, तो ही इज लाइक एनी नॉर्मल एक्टर, नॉर्मल मैन, बट हमको बहुत वो होता है ओके, अरे बोले कि नहीं, अरे इनके पास जाए कि नहीं, अरे मजाक करें कि नहीं, ये हमारी प्रॉब्लम है, उनकी नहीं है. मैम सेम, आई डोंट नो, मैंने तो कभी पोएट्री सुनी नहीं मैंने उनके साथ, मुझे लगता है ये मेरी फिफ्थ आउटिंग है शायद हम लोगों के साथ में, लेकिन मेरा हमेशा उनसे प्रोफेशनल रिलेशनशिप रहा है, जो मतलब प्रोफेशनल इन द सेंस कि मतलब मैंने मतलब इतना भी इंटरेक्शन मेरा उनसे आज तक नहीं हुआ है,
लेकिन मैं वो जो सेट का इंटरेक्शन होता है मैं बहुत फैसिनेट होती हूँ. जब यू नो कैमरा ऑन होते देयर इज दिस एक्टर जिनको काम करने में इतना मजा आता है, यू नो आपको दिखाई देता है कि इतना उनको मजा आ रहा है. और हमारी आउटिंग्स थोड़ा गैप में होती है, 3 साल बाद 4 साल बाद यू नो इतने इतने गैप्स में होती है. एंड हर बार वो जो एक एडमिरेशन और रिस्पेक्ट है वो मेरे दिल में उनके लिए थोड़ी थोड़ी बढ़ती ही जाती है. इसमें भी एक इतना डिफिकल्ट सीक्वेंस था मगर वो वहीं बैठे रहे, उनका कुछ नहीं कि मैं वैनिटी में जाऊंगा, कुछ नहीं, वहीं पे बैठ के. दिस अ ब्यूटिफुल आई डोंट नो ये जब सब समझते हैं मगर आप जब आर्टिस्ट को स्टार होते हैं तो इस की इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाती है. उनके लिए तपस्या है काम बिल्कुल, और उनको मतलब और उनका हिस्सा है वो. मतलब अभी गुड बाय भी की और गुड बाय में स्क्रीन पे तो खूब डांटा आपने उनको. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फिल्म. इसमें मैं बमन को डांटती हूं, हाँ, उसमें मैं वही कह रहा था इसमें आप जो है वो उनको डांटती है तो मुझे लगता है बहुत सारे हस्बैंड जो है वो रिलेट कर पाएंगे कि हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि बीवी जो है हमें अपने सपने पूरे करने देने नहीं देना चाहती. थैंक यू सो मच मैम, लवली टॉकिंग टू यू. एंड एक्सपेक्टेशंस आर वेरी हाई फ्रॉम दिस फिल्म और उम्मीद करते हैं कि पूरी जरूर होंगी क्योंकि हम सब जो हैं ऑल अक्रॉस मीडिया इज आल्सो वेरी पॉजिटिव अबाउट द फिल्म कि एंड बहुत अच्छा बज भी क्रिएट हुआ है. सो होपफुली एक अच्छी फिल्म हमें देखने को मिले और अच्छा बिजनेस भी करे. अच्छा बिजनेस करे कन्वर्ट्स इन मोर पीपल वॉचिंग इट. एग्जैक्टली. So yeah. that is then filmmaker को भी confidence आता है, लोगों का घर भी चलता है because after all it's an industry. Yeah. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you.